कबीर कारण सो पयो जो कीनो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक सृजनहार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, भव घट संपत लखियन सवैया, बासन त्याग सदा सम है, दम बाहर ब्रित को निग्रह ठानो, देखन दोख विखे उमराम, इतशा यह सुख जो दुख मानो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु खालसा सात संगत जीओ, अध्यात्म प्रकाश ये ग्रंथ, ये 15 बंद आप जी ने श्रवण कर ले हैं। आज 16वां बंद आरंभ हो रहा है। कल आप जी ने श्रवण किया सी बैराग अते विवेक, ते आज है खट संपत्ति। खट नाम 6 दा, जिस विच 6 संपत्ति हो, 6 खजाने हो। संपत्ति कहते खजाना, वो किहड़े खजाने हैं? शुभ गुणा दे खजाने, सम दम उपराम प्रतीक्षा, 5वां है शरदा, 6वीं है कह लो खालसा जीओ साधना रूप, कि मन की बिरति समाधान साधना ले ला जाना, कि समाधान जिसे समाधि विच सारे समाधान हो जान, उन कहने समाधान। ये 6 बिरतियां हैं। उस तो बाद है मुमुक्षता मुक्ति। ते आओ सतगुर पातशाह की कृपा नाल ये श्रवण करिए जी। खाट सुमत लखन सवैया, अथ अब नहीं अथ, अथ कहते हूँ, अथ हूँ। 6 खट संपत्तियां बारे और लक्षण जानिए जी, की लक्षण हैं। बासन त्याग सदा सम है, पहला है सम, वासना का त्यागना, विषय विकारा का त्यागना, वासना कहते काम क्रोध आदिक वासना, इहदा त्यागना ही सम है। बासन त्याग सदा सम है कि हर वेले समान बिरति रखनी, वासना का त्याग करना, पाप वैष्णव विकाशना दूर रखना, यह सम बिरति है। इनू ध्यान करके जानना। अगे है दम की है, चलो जी। दम बाहर ब्रित को निग्रह ठानो, जड़ी बाहर ब्रितियां जा रही हैं उन निग्रह रोकना, दमन करना। आम कह रहे दुष्ट दमन, दुष्टा का नाश करने वाले, काबू करने वाले, दम रोकना, कि जड़ी ब्रिति बाहर जा रही है उन रोकना, और दमन करना, ये दम है। ते जड़े दुख दुखां विच देखण विच दुखना, भाव कुछ चीज़ देखनी है, उसी दुख देखने, किसी चीज़ वाल देख रहे हैं, उस गुनाह देखना, वो उस तो दूर रहना। दुखण देखण विच उपरामता रखनी, दूर रहना। उपराम कहने बस परे हट जाना, कहने छड परे कुछ नहीं है। कोई किसका गुनाह देखिया, फिर वो गुनाह तो देख लिया, पर कहना चलो छड़ यार, अनडिट कर देना, ये उपरामता है। तितिक्षा यह सुख जो दुख मानो, तितिक्षा ये 4थी बिरति है, वो की है सुख दुख नो समान मानना। सुख जो दुख मानो, सुख भी आ गया भला सह सुभाविक, दुख भी आ गया भला है, दोवां नु सहारना है, माने मानना सहारना है दोवां नु। शासन वेद आचार्या वी जो प्रमाण है शरदा जो सो बखानो, ये है शरदा की है। शासन वेद आचार्या वी यो प्रमाण, ये हृदय च धारण करना, इनू कहने शरदा। शासन वेद आचार्या जेडे कह लो खालसा जी, शासन कहिंदे खालसा जीओ, कि वेद अते गुरुआं दी आग्या दा जो प्रमाण, शासन वेद आचार्य भी यो प्रमाण ही, यह धारण करना, उन्हां दे कह लो प्रमाण समझाए हुए सिद्धांत, वो धारण करने, इनू श्रद्धा कहिंदे।
भाव कि गुरुआं द्वारा वेदां द्वारा जो आग्या है उन्हों आग्या नू हिरदे च मनना वसाउणा उन्हां इक नेड़े बिरती रखनी ये शरदा बिरती है। शरदा बिरती फिर देखना किसे उत्ते अपना निश्चा बैठ जावे ये शरदा है। शासन वेद जो वेदिश वेदां दे बचन हन ते गुरुआं दी आग्या है आचार्य गुरुआं दी आग्या है उन्हां दे प्रमाण उन्हों हिरदे धारण करने इन्हों शरदा कहिंदे हन। एक हवै चित समाध वसै ए भांत समाधन साधन जानो। समाधान की है? समाधान कहिंदे जिथे समाधि विच किसी दा टिका हो जावे समाधान अंत हो जावे हल हो जावे उन्हों कहिंदे समाधान। एक हवै चित समाध वसै जदों समाधि विच बंदा एक सुरती विच टिक जावे उहदियां वासनावां खत्म हो जाण सुख दुख खत्म हो जावे बिरती निग्रह हो जावे शरदा टिक जावे ते उहदी फिर कह लो समाधि लग जाती है। एक अकाल पुरख विच उहदा ध्यान जुड़ जाता है ते जदों बिरती जुड़ गई ते उत्थे कह लो उन्हों सरूप दा अपना ज्ञान हो गया जिते सरूप दा ज्ञान हो गया उन्हों कहिंदे समाधान। ये समाधान बिरती है। मुमुक्षुता मुमुक्षुता की है? मुक्ति दा अधिकारी उहदे की लक्षण हन ओह सुनिए जी। जन्म मरन संसार ते कैसे छुटिए मित्र। ऐ मित्र ये जिहड़ा संसार जन्म ते मरण दा कारण है संसार च है कि जन्म ते मरण है ये संसार है इस तो किस तरह छुटांगे इस संसार सागर तो। यही विचारे चित यही मन च विचार करना ये मुक्ति दा अधिकारी बनता है। कह लो मैं इस तो किवें छुटांगा मोक्ष मोक्ष मेरी मुक्ति किवें होवेगी इन्हों मुक्ति कहिंदे बार बार इहदी विचार करनी है। चारो साधन जे कहे इनो युगत जब होए। चलो चार दस साधन दसे ना केड़े केड़े वैराग विवेक कट संपत्ति ते मुमुक्षुता। जदों चारा साधन दे संपन्न कोई होवेगा तब जो पूछे आत्मा कहे गुरु पुन सोए। ओ सिख भी ऐसा होवे ते जड़ा कह लो फिर जो पूछेगा अपने गुरु तो ते गुरु उन्हों तां दसेगा बेटा इहदा सिद्धांत ये है ये सिख दे लक्षण हैं इन्हों कहिंदे अधिकारी। ऐसा अधिकारी होवे तब जो पूछे आत्मा पूछे फिर आत्मा बारे कि आत्मा का की स्वरूप है अपने गुरु तो ठीक है ते गुरु पातशाह दसणगे उन्हों आत्मा दे स्वरूप बारे। दोहरा नमस्कार डंडौत कर दरब हाथ मिलाए। नमस्कार करे डंडौत वंदना करे भेटा हाथ च लै के अपने गुरु तो कुछ पूछे। ओ गुरु जी आत्मा क्यों कर जान हो जाए। फिर पूछे दसो गुरु जी आत्मा का की स्वरूप है मैं किवें जानांगा किवें इस मेरे तो जानी जावेगी। दोहरा सिखिया मुमुखिया विचार कै बोले गुरु दयाल। गुरु पहला देखते हैं सिख सिख है मुक्ति का अधिकारी है मोक्ष की इच्छा वाला है ये विचार के फिर गुरु पातशाह दयालु महाराज जी जो बयान करते वो दया के घर में आके बोलते हैं। वह कहे तो जो कहे हो अर्जन सो गोपाल। गुरु कहन लगे बेटा तुहानू वो सिक्ख्या देन लगा हाँ जो गोपाल कहिंदे कृष्ण जी ने अर्जन दित्ती सी गीता विच वो सिक्ख्या तुहानू देन लगा हाँ वो सिक्ख्या की है जिस विच चार वेदां दा कह लो एक वेद महावाग है तत्वमसी वो सिक्ख्या हुण गुरु जी देणगे ते आप जी समय अनुसार इहनू श्रवण करना जी। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।